स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचल। मात्र कागजों में ही कानून का राज। दबंगों द्वारा एक किसान के खेत में जाने का रास्ता रोकने के कारण कलेक्टोरेट परिसर में किसान बैठा परिवार के सहित धरने पर। सुशासन की बात कहकर सत्ता में आए प्रदेश मुखिया का खौफ जिला प्रशासन में भी देखने को मिला। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने महिला डॉक्टर के खिलाफ तुरंत की कार्यवाही। राजस्व अधिकारियों को शिकायत की जांच के लिए एमसीएच भेजा। शहर विकास की योजना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर स्टेशन रोड के कुछ व्यापारियों ने किए सवाल खड़े। व्यापारियों ने कहा अतिक्रमण हटाने में किया जा रहा भेदभाव। निगम द्वारा स्वच्छता अभियान मात्र कागजों में ही हो रहा संचालित। प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले लोग नरकीय जीवन भोगने को मजबूर। पीएम आवास में रहने वाले लोगों के घरों में भरा रहा सेफ्टी टैंक का पानी और मलिदा। नहीं हो रही कहीं भी सुनवाई, ये कैसा सुशासन। एक दबंग द्वारा खेत में जाने का रास्ता रोकने की बात को लेकर कलेक्टर परिसर में एक परिवार धरने पर बैठ गया। कहने को तो प्रदेश में कानून का राज चलता है, लेकिन इस परिवार की व्यथा कुछ अलग ही है। जिसके गांव में कानून का राज न चलते हुए एक दबंग का राज चलता है, जिसकी वजह से पिछले कुछ माह से निरंतर परेशान हो रहा था। उक्त परिवार द्वारा कहीं सुनवाई नहीं होते देख परिवार आखिर में कलेक्टर परिसर में आज आकर धरने पर बैठ गया। ग्रामीण एसडीएम द्वारा पीड़ित परिवार के धरने पर बैठ जाने की जानकारी मिलने के बाद उनको बुलाया और उनसे उनके परेशानी का सबब जाना गया। अधिकारी द्वारा उनकी समस्या सुनने के पश्चात एक दिन का समय मांगा, जिस पर अधिकारी से मिले आश्वासन के बाद उक्त परिवार ने धरना समाप्त किया। जानकारी अनुसार बाबूलाल पिता अंबाराम, उम्र 55 वर्ष, निवासी सिखेड़ी थाना नामली के रहने वाले थे। उनके ही गांव के एक दबंग ने उनसे अपना खेत बेचने की बात कही, जिस पर अंबाराम ने खेत बेचने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर दबंग द्वारा उनके खेत का रास्ता बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके ट्रैक्टर ट्रोली के साथ ही बोई गई फसल भी वहीं पर रह गई एवं दबंग द्वारा उनके खेत में जाने तक का रास्ता नहीं दिया जा रहा था, जिसकी उन्होंने कई जगह पर शिकायत की। बावजूद इसके उनकी शिकायत का कहीं पर निराकरण नहीं हुआ, जिसके बाद अंबाराम ने अपने परिवार के साथ कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के पश्चात अधिकारी द्वारा उनको बुलाकर समस्या सुनी गई तथा अधिकारी द्वारा उनकी समस्या का जल्द निराकरण करने की बात का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया गया। पीड़ित अंबाराम ने जानकारी देते हुए बताया, सामने वाला दबंग आदमी है और बहुत पैसे वाला है, वो मेरा खेत खरीदना चाहता है। मैं खेत उनको दे दूँ, मेरे इस परिवार को क्या खिलाऊंगा। और उसने 2022 में अभी एक खेत खरीदा और रास्ता तोड़ के उसने एक बना दिया। ठीक, पुराना है, लगभग 50 से भी ज़्यादा अधिक पुराना है। ठीक, और उसने अभी नहीं। क्या नाम है सामने वाले? बालाराम नागू जी जाट। ठीक, अक्टूबर से मेरा ट्रैक्टर खेत में पड़ा हुआ है, लाने नहीं दे रहे। और जाने कहाँ दे रहा, खेत बिना अंका जूता है, सोयाबीन का शुक्ला उस खेत में पड़ा है, मेरी गाय को क्या खिलाऊँ, यह सब कुछ मेरे इतनी परेशानी है कि कह नहीं सकते। बानोद स्थित एक टायर से ऑयल निकालने वाली फैक्ट्री में लापरवाही के कारण हादसा घटित हो गया, जिसमें दो लोग झुलस गए। कहते हैं सावधानी से ही दुर्घटना टाली जा सकती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उक्त बात उस वक्त चरितार्थ होती दिखाई दी जब बांगलोर स्थित एक टायर से ऑयल निकालने वाली फैक्ट्री में लापरवाही के कारण हादसा घटित हो गया, जिसमें दो लोग झुलस गए। जानकारी अनुसार नामली थाना अंतर्गत बांगरोड चौकी क्षेत्र में टायर से ऑयल निकालने वाली ग्रीन एनर्जी के नाम से एक फैक्ट्री संचालित होती है। उक्त फैक्ट्री में टायर से ऑयल निकालने का काम चल रहा था कि पीछे की मशीन पर कुछ टूट फूट हो गई। उक्त टूट फूट को चालू मशीन में ही वेल्डिंग करने का काम चल रहा था कि अचानक ऑयल ने आग पकड़ ली।
आग लग जाने के कारण उक्त मशीन संचालित कर रहे एक युवक और युवती मशीन में आग लग जाने की वजह से झुलस गए, जिनको तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं बांगरो चौकी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल महिला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, बांगरोड क्या हुआ था, मशीन से जल गई। कौन सी मशीन थी, काय पे काम करती थी? टायर लाइन और टायर आन टायर प्लेट। टायर प्लेट, अच्छा। तो क्या हुआ, मारता था तो अचानक लाइट लगी होगी, जाल फेंका गया वेल्डिंग से। तो कौन कौन जला उसमें? दो जना। क्या नाम है आप, एक आपके अलावा एक और कौन है? ये बेरू भाई। ये कौन है लगते हैं आपके? ये तो काम करने वाला है, ये भी वहाँ पे भी यही काम कर, हाँ, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का खौफ अब जिला प्रशासन में भी देखने को मिल रहा है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के मात्र 12 घंटे में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा कार्रवाई की गई। सुशासन की बात कह कर सत्ता में आई भाजपा सरकार को अब चुनाव आने के साथ ही आम जनता पर हो रहे जिम्मेदारों के द्वारा अत्याचार याद आने लगे हैं एवं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का तुरंत निराकरण भी करवाया जा रहा है। ऐसा ही मामला उस वक्त सामने आया जब एक मातृ एवं शिशु इकाई में एक महिला ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करके अपनी आपबीती बताई। जानकारी अनुसार दीपिका पति विजय मालविया निवासी रावटी ने MCH के एकता महिला डॉक्टर की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करते हुए कहा कि उक्त डॉक्टर ने अभद्र व्यवहार करते हुए सोनोग्राफी करने से मना कर दिया। उक्त शिकायत महिला ने 181 पर की। शिकायत करने के मात्र 12 घंटे में कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए मातृ एवं शिशु इकाई में लापरवाह डॉक्टर की शिकायत मिलने के बाद एक राजस्व अधिकारी को जांच के लिए भिजवाया, जहां पर पीड़ित महिला के बयान दर्ज करने के साथ ही उक्त महिला डॉक्टर का भी बयान दर्ज किया गया। जब महिला डॉक्टर से बयान लिया जा रहा था तब महिला डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए और भारी आवाज में उसने कहा कि मेरे 10 साल के करियर में पहली बार उस पर किसी ने ऐसा आरोप लगाया है, जिससे कि वह व्यथित हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे पता है पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी ने टेढ़े मारने हो सकता है, लोड की वजह से कैसे लोड इतना रहता है, मैंने इनसे टेढ़े मारने को किया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई शिकायत की जांच के संदर्भ में कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार मनोज चौहान को जांच अधिकारी के रूप में पहुंचाया गया था, जहां उक्त अधिकारी द्वारा दोनों के बयान दर्ज करके मामला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को जांच की कार्यवाही सौंपने के बाद कहते हुए बताया, आज मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश पर MCH बालटी के साले में उपस्थित हुआ। कलेक्टर महोदय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, दीपिका मालवीय रावटी निवासी की थी, सोनोग्राफी करवाने बालटी के साले MCH में उपस्थित हुई थी, जिनसे OPD में उपस्थित जो डॉक्टर प्रीति रायकवार द्वारा अभद्रता की थी। इस संबंध में मैंने जांच कर ली है, दोनों का बयान ले लिया है और श्रीमान कलेक्टर महोदय की तरफ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। सर, किस प्रकार की जांच थी, किस प्रकार का उन्होंने शिकायत वगैरह की थी, उसका क्या प्रारूप? शिकायत ये की थी कि हमारी सोनोग्राफी नहीं हो रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों के बयान ले लिए गए हैं और प्रेषित कार्रवाई कलेक्टर महोदय की तरफ कर दी। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। खरीद लीजिए चेहरे का डॉक्टर डेली डे एंड नाइट स्टेराइड रहित क्रीम। ग्लो 2X बेदाग चमकता चेहरा
सामान्य क्रीम से दोगुना बेहतर कलर टोन लाइटिंग एंड ग्लो, डार्क झुर्रियां झाइयां हटाएं। सभी प्रमुख मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स पर उपलब्ध है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट ग्लो, 2 सप्ताह चले स्वयं फर्क महसूस करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827242002। स्टेशन रोड के व्यापारियों द्वारा भेदभाव का आरोप लगाकर जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम का विरोध दर्ज करवाया गया। शहर विकास की सोच लेकर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिला प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त टीम के साथ शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया एवं यातायात के मार्ग में बाधित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में कुछ स्टेशन रोड के व्यापारियों द्वारा भेदभाव का आरोप लगाकर जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम का विरोध दर्ज करवाया गया। क्षेत्रीय व्यापारियों का कहना था कि कुछ व्यापारियों के बाहर लगे बोर्ड को नहीं हटाया गया एवं उनको हटाने का समय दे दिया गया। वहीं हमारे साथ भेदभाव किया गया और तुरंत जेसीबी चलाकर बोर्ड को तोड़कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से क्षेत्रीय व्यापारियों में जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही मुहिम का विरोध किया गया। वहीं निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद नालियों में जमी गंदगी को भी निकालने का काम शुरू किया गया। क्षेत्र व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया, सुबह 5 बजे आके रात के 1-1 बजे तक व्यापारी लोग बैठे रहते हैं और उस पैसे से इन्होंने बोर्ड बनाया, उस पैसे से इन लोगों ने शेड बनाया। हमारा प्रशासन से एक ही है कि आप करो, लेकिन हमें समय दो, भेदभाव मत करो, भेदभाव कर रहे हो आप लोग, आप लोग केवल ये कर रहे हो, टाइम दे रहे हैं उनको कि भैया दुकान पर। हमने समय मांगा जेसीबी वालों से और नगर निगम प्रशासन से कि हमें आधे घंटे का समय दे दीजिए, हम हमारा खोल देते हैं सामान। हमारा आदमी यहाँ पे बैठ के सामान खोल रहा उनके सामने और नगर निगम प्रशासन की ऐसी मनमानी चल रही है, वो बोल रहे हैं कि आदमी को ही साथ ले जाओ, आज आदमी को भी उठा जाओगे। हम वहाँ पे खड़े हुए, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, कैमरे की रिकॉर्डिंग के साथ हम आपको प्रूफ दे सकते हैं इस चीज का। आज हमारी दुकान पूरी टूट गई, आज 4 दुकानें आपने छोड़ के क्या हासिल कर लिया? कार्रवाई सबके साथ एक जैसी होनी चाहिए, कोई किसी के साथ मनमानी नहीं चलनी चाहिए। ये प्रशासन का गलत कार्रवाई करिए प्रशासन, सबके साथ एक जैसा कार्रवाई हो, एक को छोड़ देने, एक को छोड़ के खड़े हुए पे जेसीबी चला रहे हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि दी गई। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया द्वारा विश्व में सबसे महानतम व्यक्तित्व बाबा साहेब द्वारा संविधान निर्माण तथा सामाजिक समरसता व सभी को समान अधिकार दिलाने पर विस्तृत उद्बोधन दिया। इस अवसर पर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष हितेश पैमाल, निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, कांग्रेस युवा नेता राजीव रावत, ब्लॉक अध्यक्ष कमरुद्दीन कछवाहा, बसंत पांड्या, पार्षद वहीद शेरानी, नासिर कुरेशी, वरिष्ठ अभिभाषक शांतिलाल मालवीय, सलीम बागवान, यास्मिन शेरानी, कविता महावर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। आज भी बाबा साहब द्वारा जो प्रासंगिक न्याय के जो देश दिए गए हैं वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी उसकी विश्व में सबसे अधिक आवश्यकता है। पूरे विश्व में सबसे प्रचलित और सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिकार पूर्वक अगर संविधान बनने का किसको जाता है श्रेय, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जाता है। इस अवसर पर हम आज शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित कर। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर भारत रत्न के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर जगदीश सूर्यवंशी मित्र मंडल द्वारा श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि दी गई। जब तक सूरज छांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। पुराने आरटीओ ऑफिस के समीप बने प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं।
यहाँ पर पिछले कई महीनों से निगम अधिकारियों को लगातार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा कहने को तो हर जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा स्वच्छता अभियान की जरूरत है वहीं पर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान की अनदेखी की जा रही है। महुनी मच रोड स्थित पुराने आरटीओ ऑफिस के समीप बने प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर पिछले कई महीनों से निगम अधिकारियों को लगातार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ पर पिछले कई महीनों से सेफ्टी टैंक का पानी और मलिदा सड़कों पर बह रहा है, जिसकी दुर्गंध के साथ ही पनपने वाले कीटाणु घरों तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास मल्टी में रहने वाले परिवार का कोई न कोई सदस्य बीमार चल रहा है। बावजूद इसके न तो निगम प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही इनकी समस्या पर जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले लोगों ने जानकारी देते हुए बताया, और यहाँ पे सेवरेज की सारी लाइनें फूट चुकी है और मल मलवा सारा बाहर आ चुका है। यहाँ तक कि उबल उबल के हमारे घर में किचन तक फैल चुका है। हम चार दिन से रोज सफाई कर रहे हैं। हमने मीडिया में महापौर जी को, पार्षद जी को, सीएम हेल्पलाइन पे सभी जगह दे चुके हैं, और फिर इतना गंदा हो चुका है कि हम सारे यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम लोगों को कचरे में फेंक दिया है। एक तरह से हमारी कोई शिकायत ही नहीं है। अभी सिर्फ हमको साल डेढ़ साल ही हुआ है यहाँ रहते हो, आगे क्या समस्या होगी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये समझो कि हमको शहर से निकाल के बाहर फेंक दिया, कोई सुनने वाला नहीं। हमारे बच्चे बीमार पड़े, मेरा विकलांग बच्चा है बीमार पड़ा हुआ है, वो दोनों आगे पीछे दोनों तरफ से पानी आ रहा है, पानी सड़ चुका है। हम किस तरह से रहे हैं यहाँ, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तैयारी आ रही है कि पूरे चेंबर ब्लॉक हो गए हैं और गंदी वाला मल पूरा रोड पे आ चुका है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हेल्पलाइन पे भी कर दिए, यहाँ के पार्षद को भी कर दिए, नगर निगम में भी कर दिए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। जा जाते हैं वहाँ यूँ ही बोलते हैं कि हाँ आ जाएंगे कर जाएंगे, कोई नहीं आ रहा। 10 दिन हो गए गंदी वाड़े, हमारे बच्चे सब बीमार पड़े हैं। नीचे वाले जो रह रहे हैं उनके घर में उबल रहा है मल, पूरा लेटरिन बाथरूम कमरे तक किचन तक पहुँच जाता है। छिंदवाड़ा में हुई राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रतलाम के खिलाड़ियों ने 2 मेडल पर कब्जा जमाते हुए रतलाम का नाम गौरवान्वित किया। विगत दिवस छिंदवाड़ा में हुई राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रतलाम के सोनू मिश्रा ने वजन समूह 74 किलोग्राम में भाग लेकर टोटल वजन 510 किलोग्राम उठाकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, और प्रज्ञा धाकर ने 76 किलो वजन समूह में 277 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सोनू मिश्रा जिम संचालक हैं। पावर लिफ्टिंग के कोच नरेंद्र बिराड़े के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेकर रतलाम शहर का नाम रोशन किया। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मात्र कागजों में ही कानून का राज, दबंगों द्वारा एक किसान के खेत में जाने का रास्ता रोकने के कारण कलेक्टोरेट परिसर में किसान बैठा परिवार के सहित धरने पर। सुशासन की बात कहकर सत्ता में आए प्रदेश मुखिया का खौफ जिला प्रशासन में भी देखने को मिला। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने महिला डॉक्टर के खिलाफ तुरंत की कार्रवाई। राजस्व अधिकारियों को शिकायत की जांच के लिए एमसीएच भेजा। शहर विकास की योजना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर स्टेशन रोड के कुछ व्यापारियों ने किए सवाल खड़े। व्यापारियों ने कहा, अतिक्रमण हटाने में किया जा रहा भेदभाव। निगम द्वारा स्वच्छता अभियान मात्र कागजों में ही हो रहा संचालित, प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले लोग नरकीय जीवन भोगने को मजबूर। पीएम आवास में रहने वाले लोगों के घरों में भरा रहा सेफ्टी टैंक का पानी और मलिदा, नहीं हो रही कहीं भी सुनवाई, ये कैसा सुशासन।